और एक मैं बात बता दूं, एक दो नहीं 15-20-25 जितने हजरत के उस डीसीएम के अंदर मौजूद थे, जिस वक्त वो जनाजा शरीफ रखा गया और हजरत के सरहाने वो तानिया शरीफ जो भी आप देख रहे थे आगे आगे चल रहा था, वो तानिया शरीफ हजरत का जनाजा शरीफ रखा, उसके नीचे रख दिया और उसके बाद जब देखा तो एक मैं खुद गवाह, मशारिब मियां वो गवाह, फरमान मियां वो गवाह, बाकी 25-30 लोग वो गवाह, हजरत का जनाजा ऐसे उछल, हजरत का अल्लाह हु अकबर ऐसा उछल रहा जनाजा, मुझे लग रहा हजरत जलाल में क्यों, समझ में नहीं आ रहा इतना जलाल क्यों फरमान है, जनाजा शरीफ उछल रहा है, ऐसा लगता उछल के बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें उन्होंने किया कि हजरत का वो गहवारा वो पलंग पीछे किया और जनाजा शरीफ डीसीएम के नीचे रखा, डीसीएम की जो पतरा नीचे का होता उस पर पतरे पे रखा। मैं थोड़ी देर बैठा कि हजरत ख्वाब में आ गए, सुभान अल्लाह। उसी वक्त में जब पूछा रजा आवाज तू तुझको, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। हजरत ख्वाब में आए और हजरत ने फरमाया बेटा तुमने मेरे अल्लाह पैर ऊपर थे और इमाम अली मकाम का रोजा मेरे नीचे रख दिया तुमने, बेटा वो नीचे रोजा था इसलिए वो मुझे बर्दाश्त नहीं था। मैंने जैसे ही वो ख्वाब देखा उसी डीसीएम के अंदर मुशारिफ ने बगल में बैठे थे उनको बताया, ये शान मासूम है मेहनत की है और अपने दरवाजे के ऊपर अल्जामिया को मजबूत किया था, रोजा इमाम अली मकाम को रखकर सलाम किया, चले करे चलने वाले मरा करे मरने वाले, और जिसके दिल के अंदर अगर हवस चुटकी वाले और जिसके दिल के अंदर अगर खारिश चुटकी वाले तो अल्जामिया की लजबतिया में ये फकीर मौजूद है, जब चाहे बात कर ले आ जाए। Okay.